बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान। आज 4 अक्टूबर सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों को और बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। भाई आज मतलब बात ऐसी है, कुछ ठग फेर राजनीति करना शुरू करा लग रहे। सुनने में आ रहा फिर जो एक राजनीति भीतर बैठ के एक चक्री वो फिर रच दिया उस संजय भाटी ने, साइड ओपन हो रही। हमने पहले कहा था आज कह रे हमें तेरी साइड ओपन तर साइड बंद हमें कोई मतलब नहीं। हमने मतलब बात ऐसी है, पैसा लगा रखा, हमारी लड़ाई पैसे की है भाई। जब तक का मतलब बात है जी, हमारा पैसा नहीं मिला हम और कोई कंप्रोमाइज, तेरी साइड खुलो चा बंद हम और कोई मतलब नहीं। हमें मतलब अपने रूपों तो है। रही बात कई दिमाग में यू फतूर हो, अखबार लिखकर के ऑफिस चालू कर काम ला कर जीव जाते मा बिल्कुल नहीं चलने का। जनता उस कगार पर पूछा देता किस्त भरते भरते बैंकों की कर्जा तारते तारते मतलब बात ऐसी है, ब्याज भरते भरते या जनता और कर्जे में डूब की। इब सीधा मुद्दा है रुपू का, मैं रुपू की बात करूं मतलब बात ऐसी है, यहाँ 4 महीने हो लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कार्रवाई की बात करूं 4 महीने में कुल 10 आदमी भीतर गए वे भी राजनीति तक। मैं बात करूं इन 4 महीनों की और सारे ठग बाहर घूम रहे खुले। मैं माता यहां लोग का माता यहां लोग का भाई है जो धरने पर बैठे के जो ये जेल में बैठे और ये जो बाहर घूम रहे जेल में बैठे वो संजय बैठी बाहर है। ये मतलब बात है, ये बेन तिवारी पवन भाटी सचिन भाटी दीप्ति बैल करण पाल भूदेव भैया कुल मिलाकर 58 ठग हमें तो इनसे जान माल का भी खतरा है। मैं प्रशासनिक अधिकारी वैभव किशन एसएसपी जी से अपील करना चाह रहा, धरने पर बैठे सभी पीड़ितों को उनकी जान माल की सुरक्षा का मुहैया कराई जा। और मैं धन्यवाद देना चाह रहा मतलब बात ऐसी है एसएसपी साहब को कि उन्होंने 90 दिन की चार्जशीट में राज्य सरकार को लिखित में दे दिया। अगर मतलब बात ऐसी है ये स्कैम बहुत बड़ा है, ये 2.5 लाख जनता नहीं ठगी गई, इसमें तो 5 लाख जनता से ऊपर ठगा गया। जब एसएसपी ने राज्य सरकार को मतलब बात है लिखित में दे दिया किसी भी आई जाँच कराई जाए इसकी, ये उच्च स्तर का मामला है, ये 42,000 करोड़ का मामला है, ये पीड़ित या 5 लाख जनता से जो खून लिया गया उसका मामला है। मतलब बात ऐसी है उन देश की आन बान शान फौजी भाइयों का वो मामला जिसको 80% 5 लाख में फौजी भाई ठगे गए। यो मामला मतलब बात ऐसी है 5 लाख परिवार का है, उसका घर पर खड़े कर देख कर जा जो था वो तो ले लिया। मतलब बात ऐसी है मारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। मैं बात करूं मारी बेटी मारी बहन जवान घरों बैठे पैसे का भाव में शादी भी नहीं हो पा रही। मैं राज्य सरकार माननीय योगी जी से अपील करना चाह रहा, केंद्र सरकार को से अपील करके जल्द से जल्द अब लतो हो जानी चाहिए थी, लेट लतीब न हो समय सीबीआई जांच। और मैं मतलब बात ऐसे मैं बता देना चाह रहा भाई, जो आने वाली 13 अक्टूबर की जो महासभा यहाँ पर कोट गाँव दादरी में रखी गई बाइक बोट ऑफिस पर, यहाँ पर मतलब बात ऐसी है 3 ही मुद्दे है हमारी, जल्द से जल्द सीबीआई जांच। मतलब बात ऐसी है 13 फरवरी 2019 को माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून पारित कराया
अनियंत्रित संपत्ति जमा पाबंदी योजना। भाई इसके तहत ये लोकसभा से भी पारित हुए क्या? भाई जब इसके तहत सारा नीरव मोदी और जितने और विजय माल्या और जो है ये ठग जो ठगी करके भाग गए, इनका के इनकी सुनवाई उस कानून उस विधेयक के तहत हो रही। अरे मतलब बात ऐसी है, यू हमारा मामला तो इब का है, मारा जो है हमारी सुनवाई मतलब बात ऐसी है, नियंत्रित संपत्ति जमा पाबंदी विधेयक कानून के तहत हमारी सुनवाई करी जा। और सभी भाइयों से मैं अपील करना चाह रहा, जो भाई मतलब बात ऐसी है भाई रिपोर्ट करे बिना रह गया हो, वो अपनी कानूनी कार्रवाई अपनी रिपोर्ट पक्की कर का चले। आने वाली 13 अक्टूबर को यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा और उम्मीद है माननीय योगी और मोदी जी से भाई जा हाथ में इनके ही है, SIT ने तो हटा दिए, जल्द से जल्द सी भाई जात और जल्द से जल्द हमारी जो है सुनवाई मतलब बात ऐसी है, नियंत्रित संपत्ति जमा पाबंदी योजना के तहत विधायक के तहत मतलब बात ऐसे हमारी सुनवाई हो। हमारा निर्णय अगला यू ही होगा, निर्णय लिए जाओगे मतलब बात ऐसी है जब भाई हो, बस आपकी जरूरत है। जय हिंद जय भारत।